सोलन शहर में अब व्यापार मंडल के दो अध्यक्ष हो गए हैं। वर्ष 2017 में चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने मुकेश गुप्ता और उनकी कार्यकारिणी अब तक कुर्सी संभाले हुए हैं, जबकि उस समय चुनाव हार चुके कुशल जेठी ने व्यापार मंडल का कार्यकाल खत्म होने की सूचना मिलने के पश्चात अपनी नई कार्यकारिणी अगले 3 वर्षों के लिए गठित कर दी है। सोलन शहर में अब व्यापार मंडल के दो अध्यक्ष हो गए हैं। नए कार्यकारिणी के प्रधान का कहना है कि उन्होंने शहर के व्यापारियों की सहमति से कार्यकारिणी का गठन कर लिया है और वे आगामी 3 वर्षों तक व्यापारियों की सेवा करेंगे। नई कार्यकारिणी में व्यापार मंडल सोलन के अध्यक्ष कुशल जेठी, उपाध्यक्ष विनय शर्मा, महासचिव पंकज वर्मा और कोषाध्यक्ष प्रवेश गुप्ता को चुना गया है। साथ ही कार्यकारिणी में हर्ष सहगल को भी स्थान दिया गया है। हाल ही में प्रधान बने कुशल जेठी ने सोलन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मई 2017 में जो चुनाव हुए थे उस कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो चुका था। उन्होंने कहा कि एसडीएम सोलन द्वारा उन्हें पत्र लिखकर आगामी कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि अब व्यापार मंडल सोलन ने अपनी कार्यकारिणी का गठन कर लिया है, जिसमें व्यापारियों ने सर्वसहमति से उन्हें अध्यक्ष चुना है। कुशल जेठी ने कहा कि वे व्यापारियों के मत से अध्यक्ष बने हैं और अगर कोई व्यापारी मतदान से अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना चाहता है तो वे उसके लिए भी तैयार हैं। जेठी ने कहा कि बहुत से व्यापारियों ने उन्हें अध्यक्ष मनोनीत किया है और वे अब आगामी 3 वर्षों तक व्यापारियों के हित में कार्य करेंगे। कुशल जेठी ने बताया कि एक होटल में रिटर्निंग ऑफिसर व्यापार मंडल सोलन संजीव शर्मा की देखरेख में कार्यकारिणी का गठन किया गया है। ये हाउस हुआ था, हाउस में सबसे पूछा गया था व्यापारियों से, मोदी जी आए थे और हर एक ट्रेड के व्यापारी आया था। उसमें यह तय हुआ कि चुनाव आज कोरोना काल है, इस करके इसको यूरानी मस्ती चुनाव किया जाए। तो अधिकतर व्यापारियों ने उसको कहा यूरानी में इसको चुनाव किया जाए, तो सभी व्यापारियों ने मेरा नाम प्रधान के लिए और विनय शर्मा जी का उपप्रधान के लिए, पंकज जी का जनरल सेक्रेटरी के लिए और हमारे प्रवीण गुप्ता जी का कोषाध्यक्ष के लिए, वहाँ सबको यूरानी मस्ती चुना गया इसमें। और उद्देश्य हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा इसमें हमारे दुकानदार भाइयों के लिए काम करना है। दुकानदार भाइयों के दुख दर्द में हमने शामिल होना, उनको किसी किस्म की तकलीफ है प्रशासन से, सरकार से, आपसी में कोई मतभेद है, हम उसको हर दिन कोशिश करेंगे कि हम कैसे हमारा दुकानदार भाई अपने चिंता मुक्त होकर कारोबार करें और किसी किस्म की उसको परेशानी ना हो। हमारा मेन लक्ष्य ही है सर, जो लोग विपक्ष करते हैं ना जी, उनको अधिकार है करने का, लोकतांत्रिक है, हमारा विरोध जिन्होंने करना है वो करें, लेकिन हमारा संवैधानिक तौर पर और हमारी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंगली बाय नॉर्म्स के तहत हमारा चुनाव हुआ है, उसमें हमने इलीगल कुछ भी नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।